हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे पिंक आई और जिसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस और आई फ्लू। तो पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस क्या है? तो कंजंक्टिवाइटिस है जो आई की सबसे आउटर लेयर होती है, जब मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं हम झिल्ली कंजंक्टाइवा। तो कंजंक्टाइवा का जब इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई या फिर आई फ्लू। तो कंजंक्टाइवा जो है वो मेम्ब्रेन है कवरिंग द आई, एंड दैट कवरिंग और दैट मेम्ब्रेन बिकम्स इन्फ्लेम्ड या इन्फेक्शियस, तो उसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस। देन कॉजेज ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, तो कॉजेज क्या हैं कंजंक्टिवाइटिस के, क्या रीजंस हो सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस के या आई फ्लू। तो ये होता है किसी वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण। अगर वायरस के कारण होता है तो उसको हम कहते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस, और अगर बैक्टीरिया के कारण होता है तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। और ये फैलता कैसे है? बाय कंटेमिनेटेड हैंड्स, वॉश क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एंड और कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर गंदे हाथों से हम आईज़ को टच करते हैं या फिर जिस पर्सन को इन्फेक्शन है उसके हम जो क्लोथ्स हैं उसको टच करते हैं, टॉवल्स वगैरह टच करते हैं या उसके टॉवल्स का यूज़ करते हैं, या फिर जिसको इन्फेक्शन है उसके कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो ये कारण है इसका ट्रांसमिशन के या कॉजेस के। नेक्स्ट है कि इसके साइंस क्या हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि रेडनेस ऑफ द आइज़, मतलब आइज़ जो हैं वो रेड हो जाती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेड आइज़ और पिंक आइज़। स्क्रैची एंड बर्निंग आइज़, मतलब कि आइज़ में बहुत ज़्यादा बर्निंग, मतलब बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ग्रेनी फीलिंग इन द आइज़, ऐसा लगता है कि आइज़ में कुछ चला गया है और कुछ मतलब रड़क्स पड़ती है आइज़ में। देन स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स, जो आईलिड्स हैं अपर आईलिड्स लोअर आईलिड्स उनकी स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाती हैं। नेक्स्ट है वॉटरी और पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज़, शुरू में जो आइज़ से डिस्चार्ज होता है वो वॉटरी डिस्चार्ज होता है, पानी निकलता रहता है, बाद में इसमें से जैसे पस लाइक डिस्चार्ज निकलता है, वाइट कलर का डिस्चार्ज जो है वो निकलता है आइज़ में से। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब लाइट में जब ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, लाइट में जाने से, सनलाइट में जाने से या लाइट में जाने से आइज़ में ज़्यादा इचिंग होती है, ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। नेक्स्ट है कि इसका इलाज कैसे करते हैं, इफ़ यू हैव पिंक आइज़ तो इसका इलाज कैसे होएगा। तो सबसे पहले है कि अगर लगता है कि कोई इन्फेक्शन है आइज़ का तो सबसे पहले विजिट ए डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, सबसे मतलब ज़्यादा जल्दी ज़रूरी है कि अपना जो भी है आई के डॉक्टर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाके अपना चेकअप करवाएं। नेक्स्ट है डू नॉट अटेंड क्राउडेड प्लेसेस सच एज स्कूल्स, पूल्स, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ और वर्क प्लेस। अगर आइज़ का इन्फेक्शन है, कंजंक्टिवाइटिस है, चाहे वायरल कंजंक्टिवाइटिस है चाहे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, तो किसी भी क्राउडेड प्लेसेस पे या पब्लिक प्लेसेस पे जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पूल स्विमिंग पूल है, जहाँ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है या वर्क प्लेस है, वो अटेंड नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वॉश हैंड्स प्रॉपरली ईच टाइम यू टच योर आइज़ और फेस,
अगर आप आईज़ को टच करते हैं या फेस को टच करते हैं तो हर बार अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इसकी प्रिवेंशन कैसे करें, जहाँ क्या क्या प्रिकॉशंस लें ताकि कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई ना हो। तो सबसे पहले है रेगुलरली वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आप आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं या उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं या घर पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके बाद कॉन्टैक्ट में आने के बाद अच्छी तरह से सोप एंड वाटर के साथ अपने हैंड्स वॉश ज़रूर करें। नेक्स्ट है पर्सन डायग्नोस्ड विद पिंक आई शुड स्टे एट होम फ्रॉम वर्क। मतलब जिस पर्सन को पिंक आई डायग्नोज हुई है या कंजक्टिवाइटिस जिस पर्सन को है, उस पर्सन को इन्फेक्शन वाले पर्सन को घर पे ही रहना चाहिए। अगर वो स्कूल जाता है तो स्कूल नहीं जाना चाहिए, अगर कॉलेज जाता है तो कॉलेज नहीं जाना चाहिए, अगर वर्क मतलब जॉब पे जाता है तो जॉब पे नहीं जाना चाहिए। जितनी देर तक उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती तब तक उसे घर पे रेस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद पिंक आई मस्ट बी केप्ट होम फ्रॉम स्कूल फॉर द मतलब जब तक उसको इन्फेक्शन है तब तक जो बच्चा स्कूल जा रहा है उस बच्चे को स्कूल नहीं जाने देना चाहिए, घर पे ही रखना चाहिए और घर पे ही रख के उसका इलाज करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बेड शीट्स एंड टॉवल्स विच हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपरली। मतलब कि घर पे जिस पर्सन के कॉन्टैक्ट में बेड शीट्स आई हैं टॉवल्स आए हैं तो उनको अच्छी तरह से सोप एंड वाटर या डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए और वॉश करने के बाद ही उनको यूज़ करना चाहिए। और जो पेशेंट के पिल्लो कवर्स हैं उनको भी चेंज करते रहना चाहिए और किसी और के लिए वो पिल्लो कवर्स वो टॉवल्स या बेडशीट्स वगैरह नहीं यूज़ करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पिंक आई और कंजंक्टिवाइटिस और यू कैन से आई फ्लू। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।